हेलो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था। यहाँ पर हम कुछ आगे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर कुछ को यहाँ करेंगे, कुछ अगले सीरीज में करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ टेन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर टेन ए की वैल्यू 3/4 है देन प्रूव दैट साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 12/15। तब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू 12/15 होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेन की वैल्यू से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी हो, तो टेन की वैल्यू से साइन कॉस की वैल्यू निकालनी हो, क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे यूज करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। तो टेन टेन ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3/4। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप इसे में बोल सकते हो लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर, अब आपको पता है जहां ये 90 डिग्री का एंगल बनता है वहीं पर परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया है 3, और बेस ये बन गया बेस। तो हमें यहाँ हाइपोटेनियस कर्ण की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में, सॉरी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो जाता है। अब हमें बेस कितना दे रखा है, फोर, सो फोर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3, तो ये 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये यहाँ पर आ जाता है 25। तो ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 25। आगे देखते हैं, तो ए सी, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा √25। तो हमारे पास ए सी, तो √25 का जो स्क्वायर रूट आता होता है 5, तो ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब हमें साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 12/15 लिखना है। तो हम क्या करते हैं, एल एच एस यूज करते हैं। एल एच एस होती है हमारी साइन ए कॉस ए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसे यहां पर यूज करते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर क्या होगा, 3। हाइपोटेनियस कितना निकाल कर हम आए अभी, 5, तो ये 5 हो जाता है। और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे यहाँ पर 4 और हाइपोटेनियस हो जाता है हमारा यहाँ पर 5, तो ये हमारा यहाँ पर जाता है 12/25, सॉरी वो 15 नहीं 25 है, वहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गया। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ये आर एच एस हमारी आ गई। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें ट्राइंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री दे रखा है और ए बी 2 सेंटीमीटर है और ए सी 3 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की। सो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण। तो इसे देखते हैं, ये हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक राइट एंगल हो गया हमारे पास जो हमने दे भी रखा है 90 डिग्री पर, बी होना चाहिए वहां पर। तो बाकी को कुछ भी नाम दो आप वर्टेक्स को, ए या सी। अब हमें यहाँ पर ए बी दे रखा है 2 और ए सी दे रखा है 3, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारा 3, बेस है 2, ये हमें फाइंड करना है। ये हो जाता है 9, ये 4, ये बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर आ जाता है 9 माइनस 4,
तो ये वैल्यू आ गई 5। सो बीस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से रूट 5 सेंटीमीटर। हमें साइन फाइंड करना है, साइन होता है परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर आया हमारा रूट 5, हाइपोटेनियस है 3। यहाँ फाइनल आंसर बन जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड टेन ए इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। इसमें टेन दे रखा है, टेन कितना दे रखा है हमें, टेन ए दे रखा है 4/3। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोल सकते हैं इसे लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा 4 और बेस हो जाता है हमारा 3। तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आसान है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, एसी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सो हमारे पास हमें ये ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर क्या है हाइपोटेनियस, और बी सी हो जाता है हमारा 3 प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। और ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास अंडर रूट 25। तो ए सी आ जाता है हमारे पास, यहाँ स्क्वायर लगने का इधर रूट लग गया है, सो ए सी आ जाता है हमारे पास 5। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे, कुछ इस वीडियो में किए हैं, कुछ पिछली वीडियो में किए थे, अब आपको आगे का बताते हैं। अगर हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से दे रखा है और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसे ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इससे ये कट जाता है, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या है देखो, बी ए, बी ए मीन्स इसका बेस, और ए सी, ए सी मीन्स हाइपोटेनियस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस। अब ये स्क्वायर लग रहा है, तो हम यहाँ पर इसके साथ भी से सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बी सी, बी सी, बी सी होता है परपेंडिकुलर, और ए सी, ए सी है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, लेकिन यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, तो हम ये यहाँ पर इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनकर तैयार होती है, इसको हम यहाँ पर आगे यूज करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके और भी रिजल्ट होते हैं, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इनको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसी के तरीके से अब फिर से इसी थ्योरम को लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस बार हम दोनों साइड में बी ए से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड
बाई बी ए स्क्वायर। सो ये हो जाता है ए सी स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये यहाँ हाइपोटेनियस अपॉन बी बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या बन जाता है, सो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sec square theta is equals to, ये इससे डिवाइड हो जाता है, सो ये 1 प्लस bc और ये ba आने का bc square upon ba square, bc bc है हमारे पास perpendicular यानी कि लंब और ba ba है हमारे पास tan यानी कि सॉरी ba है हमारे पास आधार यानी कि बेस, तो ये बन जाता है perpendicular upon base, ये हो जाता है tan square theta। तो ये इसे इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट रिजल्ट ये एंड देन सेकंड रिजल्ट ये, और अगर हमको यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाती है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये यहाँ पर आप रिजल्ट्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ये हम यहाँ पर आगे यूज करने वाले हैं। इसमें एक और इक्वेशन है उसे हम और अभी प्रूफ करेंगे, एक आइडेंटिटी और प्रूफ करनी है अभी हमें यहाँ पर। सो हम यहाँ क्या करते हैं, इस बार इसे पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है ये स्टेटमेंट हमारे पास, इसे बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर बोथ साइड, तो हम यहाँ क्या करते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये है क्या, ए सी अपॉन बी सी, सो ए सी ये है हमारे पास हाइपोटेनियस कर्ण और बी सी ये है परपेंडिकुलर लंब, तो कर्ण बटा लंब ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाता है कोसेक। अब ये स्क्वायर लग रहा है तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बी ए है बेस और बी सी ये है परपेंडिकुलर, तो ये आधार ये लंब, आधार बटे लंब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हो जाता है cot, cot स्क्वायर थीटा प्लस ये इससे डिवाइड हो जाएगा 1। तो एक रिजल्ट हमारा ये आ जाता है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म बी सी के होते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर हमें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये तीन आइडेंटिटीज थी, एक तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी ये अभी हमने करी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो आप इन तीनों को याद कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलास के ऊपर, इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।